रेलवे ने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के जो है स्वास्थ्य की चिंता तेज कर दी है। इसके लिए लगातार जो है उनके स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए कैंप आयोजित किए जाने लगे हैं और आज कमल किशोर शर्मा जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर हैंकी और डॉक्टर संजीव दीक्षित ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया और जो बुजुर्ग कर्मचारी रिटायर्ड हैं एक एक कर्मचारी को भी उनके खाने पीने के बारे में, उनको योगा और व्यायाम के बारे में बात की गई, उनसे सलाह दी गई कि उन्हें क्या क्या करना है और कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो नियमित दवाएं हैं वो कैसे लेनी है और कैसे क्या क्या दवाएं उन्हें जारी रखनी है इसकी भी जानकारी दी गई। साथ ही उनके पैथोलॉजी सारे टेस्ट कराए गए कि उनके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही जिससे लंबे समय में नुकसान हो सकता हो, इसकी भी जो है जाँच की गई है जिसकी रिपोर्ट बाद में आएंगी। लेकिन इतना जरूर कर्मचारियों ने से राहत की सांस ली है और कर्मचारी जो है रेलवे के धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहे थे कि कम से कम जो है उनके स्वास्थ्य के लिए हमारा विभाग कार्य जो है लगातार चिंतित है। अब देखना है कि रेलवे मुहिम कब तक बरकरार रखता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर कर्मचारियों का स्वास्थ्य अगर ऐसा बना रहा तो रेलवे पर जरूर जो है आसान्वित और गौरवान्वित महसूस करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद उन्नाव में आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जो बैठक है उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरांग राठी ने की है। गौरांग राठी ने अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से चिकित्सा केंद्रों पर लापरवाही न बरती जाए। सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा केंद्रों में सावधानी बरती जाए, साथ ही साथ जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन पर लगातार नजरें भी रखी जाए कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही साथ आशा बहुओं के वेतन को न रोका जाए, इसको लेकर डीएम गौरांग राठी ने निर्देश दिए हैं। गौरांग राठी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको हर प्रकार से आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, उसमें उस लाभ पाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों यातायात नियम का खुलेआम उल्लंघन तो हो रहा है, मगर सबसे बात करी जाए जाम की तो जाम से लोग परेशान हैं। चौक कोतवाली और रोशन बाग में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी, क्योंकि रमजान का त्योहार है और रमजान के पर्व में जहां लोग ईद की खरीदारी करने निकलते हैं, जिससे कि पुराने शहर के चौक और रोशन बाग में काफी भीड़ होती है। पूरे शहर के लोग यहां एकत्रित होते हैं और खरीदारी करते हैं, मगर इसी भीड़ में जहां पैदल चलने की जगह नहीं होती उसी में मनमाने तरीके से ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा लेके आते जाते हैं, जिससे लोगों को कई बार चोटें भी लगती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है ना कोई इनको रोकने वाला है ना टोकने वाला है, मनमाने तरीके से ई रिक्शा चालक नियम कानून का उल्लंघन करके ई रिक्शा लेकर भीड़ में आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं और ना ही कार में सीट बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिस तरह से ई रिक्शा चालक मनमानी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग बिना नियम कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह से कार्रवाई होगी और ई रिक्शा चालकों पर किस तरह से रोक लगेगी, तो देखने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।